काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी बिचारो। कौन सुसंकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। दोस्तों इस समय मैं हूँ कानपुर शहर के कुर्नी क्षेत्र में और आज मैं आपको एक ऐसे ऐतिहासिक और चमत्कारिक मंदिर के दर्शन कराने वाला हूँ जहाँ पर बहुत से दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए कुछ इस तरह से छोटी छोटी घंटियाँ और ताले बांधते हैं। आज मैं आपको बजरंगबली बाबा के बहुत ही सुंदर दर्शन कराने वाला हूँ तो कृपया हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कानपुर ट्रेवल सीरीज का 22वां एपिसोड। उम्मीद है आप ये सीरीज अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। इसके पिछले एपिसोड में मैंने आपको कानपुर शहर के नौबस्ता से कुर्नी क्षेत्र तक की रोड ट्रिप दिखाई थी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में व आई बटन में दे दूंगा। आप हमारी वह वीडियो भी जरूर देखिएगा। और हमने अपना पिछला एपिसोड इस जगह पर फिनिश किया था। आइए अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं और आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। इस जर्नी का एक छोटा सा किस्सा आपको दिखाते हैं, देखिए। घर में ले जाओ 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 जाओ। वैसे देखा जाए भले ही इनकी पैंट नीचे हो जाए लेकिन इनके सर से ये ईंट नीचे नहीं गिरनी चाहिए। गांव के माहौल की तो कुछ बात ही कुछ और है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम कुर्नी क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हमें यहाँ राइट साइड एरिया में एक पेट्रोल पंप देखने को मिलता है। जरा सोचिए यह जगह मेन सिटी से काफी दूर स्थित है लेकिन यहाँ भी आपको पेट्रोल पंप की कनेक्टिविटी आसानी से मिल जाती है जो कि मुझे काफी ज्यादा यूनिक चीज लगी। दोस्तों बुढ़वा मंगल के अवसर पर इसी जगह से मेले की शुरुआत हो जाती है और यहीं से ही दर्शन करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लगती हैं। चलिए अब हम नौबस्ता चौराहे से लगभग 32 किलोमीटर का सफर तय करके कुर्नी क्षेत्र के इस चौराहे में पहुंच चुके हैं। यह जो आप हमारे राइट साइड में रेड कलर का गेट देख रहे हैं यही है कुर्नी मंदिर का द्वार। दोस्तों यदि आप इसी चौराहे से लेफ्ट टर्न लेकर सीधे चले जाते हैं तो आप बकेवर और बिंदकी के रास्ते होते हुए NH-19 हाईवे ज्वाइन करेंगे जो कि सीधे आपको फिर फतेहपुर में मिल जाएगा। फिलहाल आज हम यहां से राइट टर्न लेकर मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों यहां निवास करते हैं हिंदू धर्म के सबसे जागृत, सबसे ताकतवर या मैं कहूँ सर्वशक्तिशाली देवता हमारे बजरंगबली हनुमान जी और यह पूरा क्षेत्र कुर्नी दरबार के नाम से जाना जाता है। अब आखिर इस मंदिर का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व क्या है, आइए आपको बताते हैं। यह जानने के लिए मैं दर्शन करने से पहले बाबा की मूर्ति के ओरिजिन पॉइंट के पास गया जो कि इस मंदिर से लगभग 100 मीटर दूर स्थित है। दोस्तों ये है वो तालाब और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 500 साल पहले इसी तालाब में एक मूर्ति तैर रही थी। अचानक उस मूर्ति पर गांव के लोगों की नजर पड़ी और उन्होंने उस मूर्ति को तालाब से निकालकर एक नीम के पेड़ के पास रखा जहां पर वर्तमान समय में वह मूर्ति स्थापित है। अगले दिन यह निश्चय किया गया कि इस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित किया जाएगा लेकिन उन्हीं ग्रामीण लोगों ने जैसे ही उस मूर्ति को वहां से उठाने की सोचा तो वे ऐसा नहीं कर पाए। वह मूर्ति अपने स्थान से टस से मस नहीं हुई। कई प्रयास किए गए लेकिन वे सारे के सारे असफल रहे। गांव वालों को यह कुछ करिश्मा सा महसूस हुआ तो उन्होंने आपसी सहयोग से ही ठीक उसी जगह मंदिर का निर्माण कराया तो इस प्रकार इस मंदिर का अस्तित्व पड़ा। दोस्तों हमने ले लिया है यहाँ से प्रसाद और आइए अब चलते हैं बाबा के दर्शन करने। जैसे ही यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं एक एक करके पूरी होने लगी तब यहाँ पर बहुत से दूर दूर से लोग आने लगे और कई बड़े नेता भी यहाँ पर दर्शन करने पहुंच चुके हैं। देखिए जैसे ही आप इस मंदिर के गेट से प्रवेश करेंगे तब आपको ठीक सामने भक्ति का कुछ ऐसा अजूबा देखने को मिलेगा।
आखिर भक्ति में कितनी शक्ति होती है वह आप यहाँ देख सकते हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आते हैं वे यहाँ पर घंटियाँ या फिर ताले मन्नत रूप में बांध देते हैं। और जरा इनकी संख्या देखिए, आप इनकी इस संख्या को देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इस मंदिर से कितने ज्यादा लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। बहुत से लोग यहाँ पर मुंडन संस्कार कार्य के लिए भी आते हैं और बहुत से धार्मिक अनुष्ठान कार्यों को भी यहाँ पर संपन्न किया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक प्यारी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ यह वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। आइए अब ज्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले आपको बाबा के दर्शन करा देते हैं। मंदिर की चारों दीवारों पर आपको श्री राम नाम देखने को मिलेगा और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जी आ रही हो। दोस्तों, बजरंगबली बाबा के जिस स्वरूप के अभी आप दर्शन कर रहे हैं यह वास्तव में एक नृत्य करती हुई मूर्ति है। आप दर्शन कर सकते हैं बाबा के। मैं जब यहाँ दर्शन करने पहुंचा तो लगभग 10 से 15 मिनट तक तो बाबा को निहारता ही रह गया। यदि आपको बाबा का यह स्वरूप पसंद आया है तो कृपया एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और मैं तो यही चाहूंगा कि मेरा कमेंट सेक्शन जय श्री राम के कमेंट से पूरी तरह से भर जाए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। आइए अब मैं आपको इस मंदिर से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आने वाले बहुत से भक्तों का नाम महावीर प्रसाद होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती वह भगवान बजरंगबली के इस मंदिर में आते हैं और यहाँ पर निर्जला रहकर सत्यनारायण कथा का पाठ करते हैं। ऐसा करने से उनकी जल्द ही वह मन्नत पूरी होती है और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और ऐसा कहा जाता है कि उसी पुत्र की कुंडली में उसका नाम महावीर लिखना आवश्यक होता है। और ऐसा एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में यहाँ पर मन्नतें पूरी भी हो चुकी हैं। और जाहिर सी बात है यह तो सिर्फ बजरंगबली का एक चमत्कार ही हो सकता है। चलिए अब आपको इसी मंदिर प्रांगण में स्थित श्री राम जानकी दरबार के दर्शन करा देते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी रेनोवेशन से रिलेटेड काफी ज्यादा काम किए जाने की जरूरत है क्योंकि यहाँ की दीवारों को देखकर लगता है कि यह मंदिर काफी ज्यादा प्राचीन है और इन दीवारों को रेनोवेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए अब आप राम दरबार के दर्शन कर सकते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, इसी मंदिर प्रांगण के बाहर कुछ अन्य मंदिर भी स्थित हैं। आइए आपको वहां के भी दर्शन करा देते हैं। और पास में ही स्थित है शनि देव जी का मंदिर, आप इनके भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा जो परिवार है वह यहाँ की एक समिति से जुड़ा हुआ है जो कि यहाँ पर हर साल बुढ़वा मंगल के अवसर पर भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन कराती है और उस समिति का नाम है जय हनुमान सर्वशक्ति संकीर्तन समिति। दोस्तों, इस कमेटी के 25 साल पूरे होने पर यानी सिल्वर जुबली कंप्लीट होने पर इन्होंने कमेटी के सदस्यों के लिए नौबस्ता गल्ला मंडी के क्षेत्र में एक छोटा सा प्रोग्राम कराया था
और क्योंकि हमारा परिवार भी इस कमेटी का एक हिस्सा है तो हमने भी वहाँ जाकर इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था और इसी प्रोग्राम में एक सुंदरकांड पार्ट का भी आयोजन किया गया था और ये है वहाँ की कुछ झलकें। और इसी कमेटी के सदस्यों ने मिलकर मेरे पिताजी को भी बाबा बजरंगबली की यह फोटो और माला भेंट स्वरूप में दी। दोस्तों यह था मेरा इस मंदिर के इस प्रोग्राम से रिलेटेड एक किस्सा, मैंने सोचा आपसे शेयर किया जाए। दोस्तों यह था कानपुर शहर के इस कुणी दरबार में मेरा एक बेहतरीन सा एक्सपीरियंस। वैसे अभी आज के ही दिन का एक और वीडियो आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप कुछ नया एंजॉय करने वाले हैं और वो होगा कानपुर ईस्टर्न एरिया का आखिरी एपिसोड। बताइए दोस्तों आप सभी को आज का हमारा ये छोटा सा एपिसोड कैसा लगा, मुझे हमेशा से आपके पॉजिटिव रेस्पॉन्स और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए इसी तरह ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फ्रेंड्स कृपया कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और बस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए शिवराम कृपा ब्लॉग्स।